स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बाग मरे। 8 फरवरी के बाद शाहीन बाग को जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रेसिडेंट ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि शाहीन बाग के आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सरकार के जरिए ताकत के इस्तेमाल का अंदेशा जाहिर किया है। हो सकता है कि सरकार इस मुजाहरे को ख़त्म करने के लिए इनको गोली मार देगी। सरकार शाहीन बाग को जलियांवाला बाग बना देगी। हाँ, लगता है कि गोली मारकर ख़त्म कर दिया जाएगा शाहीन बाग को। मुझे लगता है कि जलियांवाला बाग बनाने की तैयारी हो रही है। हम मरने तैयार हैं प्रधानमंत्री जी। क्यों नहीं प्रधानमंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ एक्शन लेते? एक मिनिस्टर रहकर उन्होंने कहा कि गोली मारो देश के गद्दारों। क्यों नहीं प्रधानमंत्री यूपी के चीफ मिनिस्टर को कहते गोली क्यों बोल रहे हो? प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे अपने ही पार्टी के लोगों को, अपने ही मिनिस्टर को। और आप लोग समझते हैं कि सब और जो कोई भी एंटी नेशनल बात कर रहा है हम उनके साथ नहीं है। मगर जैसे लोगों को आप कैसे समर्थन दे जो देश तोड़ने की बात? मैं उनके बयान को नहीं मानता। मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं। मैं प्रधानमंत्री से हम ये जानना चाहते हैं अनुराग ठाकुर के बयान से प्रधानमंत्री खुश हैं? बीजेपी के नेता गोली मारने की बात कह चुके हैं। हुकूमत को जवाब देना होगा कि कौन शिद्दत पसंद है। अगर एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए MP ये बयान दे रहे हैं तो सवाल उठता है सरकार आने वाले दिनों में क्या करने वाली है। क्योंकि सरकार ने तो साफ अल्फाज में कहा है कि CAA कानून पर वो एक कदम भी पीछे हटने वाली नहीं है। और नेता भी गोली मारने की बात बोल चुके हैं। क्या ओवैसी की कही हुई बात सच होगी या हुकूमत एक कदम पीछे हटकर दूसरा रास्ता निकालेगी? मध्य प्रदेश हुकूमत ने भी कहा CAA को बाय बाय। कांग्रेस हुकूमत वाली मध्य प्रदेश कमलनाथ हुकूमत ने आज ऐलान किया कि वो नागरिकता कानून रियासत में लागू नहीं करेगी। इसी तरह अब मध्य प्रदेश 5वां रियासत बन गया है। इससे पहले पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, केरला ने ये कानून को लागू ना करने की बात करते हुए इसके खिलाफ रेजुलेशन ला चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में भी ये कानून लागू नहीं किया जाएगा। एक एक करके कई राज्यों ने CAA को लागू ना करने की बात कही है। क्या केंद्र सरकार अब इस कानून के बारे में हो रही मुखालिफत को समझकर कानून वापस लाएगी लेगी या अपनी जिद पर अड़ी रहेगी? देखते हैं। कर्नाटक में 10 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण। कर्नाटक में CM येडियुरप्पा की सरकार ने आज बड़े इंतजार के बाद 10 नए मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। साझा सरकार में बागी बनकर सरकार गिरा के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा इलेक्शन में जीतकर तकरीबन 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज 10 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। पुराने विधायकों को भी थोड़ा इंतजार करने की बात कही गई है। अब देखना है पिछले सरकार से बेवफा करके नई पार्टी से रिश्ता जोड़ने वाले नए मंत्री कब तक बीजेपी के वफादार बने रहेंगे और पुराने पार्टी के विधायक जो मंत्री बनने का इंतजार कर रहे थे अब इस नए और पुराने खेल में कौन कब तक पार्टी के साथ रहता है ये तो समय ही बताएगा। सीतापुर फैक्ट्री से जहरीली गैस का रसाव, 7 मजदूरों की मौत। सीतापुर उत्तर प्रदेश में एक फैक्ट्री में जहरीली गैस के रसाव से 7 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक एक चादर बनाने वाली फैक्ट्री में जहरीली गैस के रसाव के वजह से बेहोश हुए कई मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जिसमें इलाज के दौरान 7 मजदूरों की मौत हो गई है, जिसमें 3 मर्द, 1 औरत और 2 बच्चे शामिल हैं। एक्सपोर्ट की एक टीम सीतापुर रवाना की गई है जो इस हादसे की जांच करेगी। CM योगी ने इस दर्दनाक हादसे पर अफसोस जाहिर किया है। वजह रहे कि 80 के दशक में देश के
भोपाल शहर में भी जहरीली गैस के रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, जिसके बाद फैक्ट्री का मालिक अमेरिका का निवासी एंडरसन रातों रात देश छोड़कर भाग गया था। पिछले साल तकरीबन 94 साल की उम्र में एंडरसन की मौत हो गई और भोपाल के लोग आज भी इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। क्या सीतापुर को भी भोपाल जैसा इंसाफ मिलेगा या सिर्फ अफसोस जताकर भुला दिया जाएगा और भोपाल की तरह इंसाफ को लोग तरसते रह जाएंगे, देखना पड़ेगा। मोदी देश की समस्या पर कभी बात नहीं करते राहुल गांधी। आज संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने संसद में 1.5 घंटे तक तकरीर की, मगर मुल्क में नौजवानों का असल मसला बेरोजगारी पर एक अल्फाज तक नहीं कहा। मुल्क के सामने सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था का है। मुल्क का हर नौजवान चाहता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद इसे नौकरी मिले। असल परेशानी यह है कि मोदी इस सिलसिले में कुछ नहीं बोलते। हमने उनसे कई बार आग्रह किया है कि रोजगारी के सिलसिले में कुछ कहें, मगर मोदी इसके बारे में कुछ नहीं कहते, कहा राहुल गांधी ने। शायद बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था पर बात करना नेताओं को पसंद नहीं, क्योंकि जनता का अगर ये मुद्दा होता तो जनता मोदी जी को दोबारा क्यों चुनती। खामखा राहुल गांधी मोदी जी का वक्त जाया करते हैं। असल मसला तो पाकिस्तान, राम मंदिर और देशभक्ति के नाम पर लोगों का इम्तिहान लेना है। तो और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम इंडिया।